इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, पुलिस अगर आपको पकड़ ले और पीटे कि तुमने किया था अपराध, चुपचाप मान लीजिएगा हाँ साहब गलती से हो गया, बिना मतलब पुलिस के आगे बहस कीजिएगा ही नहीं। मीडिया में दिया हुआ बयान, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। बिना मतलब पुलिस से बहस कीजिएगा और दो चार लाठी मारेगा आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पुलिस के सामने तीन चार चीज गलती नहीं कीजिएगा, जवान नहीं लड़ाइएगा। अगर आप घेरा गए पुलिस के सामने ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लो भाई जाओ यहाँ पे। 20-3 आपको कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। पुलिस ने तो मारपीट के फिल्मों में दिखाता ना, मारपीट के साइन ले लिया ही लिया ना, कोर्ट में कहेगा कि सर मारपीट के साइन लिया है, यहाँ पर चल जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ पर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, मान ही नहीं होगा पुलिस के सामने दिए गए गवाही। इसलिए जब पुलिस के सामने गवाही दिया जाता है कोर्ट में, तो देखिएगा आप और जज रहेंगे, पुलिस पुलिस बाहर कर देगा, चलिए बाहर जाइए यहाँ से जाइए। कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम की अपनी पुलिस होती है, वो जो पकड़ के लाया वो आपके बगलिया में नहीं खड़ा रहेगा, कोर्ट रूम की अपनी पुलिस रहेगी वहाँ पर, तो अपना व्यवस्था देखते हैं लोग, आप समझ में आ गई नहीं? जबकि फिल्मों में अलग ही दिखा देता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देना है। अच्छा कभी रैली उली में जाइए, या अभी देखे ना भारत बंद आह्वान किए थे लोगों ने या इस समय, तो कई लोगों को लगता है कि पुलिस लाठी चार्ज करती है तो उसको लगता है पुलिस मोह आ जाएगी, उसको मोह लग जाएगा, ए दो लाठी मार के। अरे भाई तुम 10 लाठी पाए या 2 लाठी, जितना पाए उतना कम समझ के भागो, क्योंकि रैली उली में जो पकड़ा गया, पुलिस का एक रूल है कि 100 लोगों में अगर 1000 की भीड़ है तो 1000 को तो पीट नहीं सकते हो, एक को मिल गया ना उसको इतना मार मारो कि सबका हिम्मत टूट जाए। तो आपको लगेगा ना कि अरे 4 लाठी मार ये लिया ना, छोड़ देगा, नहीं, अगर आप खड़ा रहेंगे ना तो 400 लाठी मारेगा। इसलिए लंगड़ाइयो रहे तो भाग जी भाग रे भाई भाग। अब कई को लगता है ना सिधुआ बकलोल ये सबको एक्सपीरियंस नाम का चीज नहीं है। अगर लाठी चार्ज हुआ, अगर तुमको मान के चलो 5 लाठी मार दिया, तुम लेट गए ना, तो एक और आएगा वो 5 लाठी मारेगा, दूसरा का आएगा वो मतलब वो सोच रहा 5 लाठी 500 लाठी कब बनेगा, कोई ठीक नहीं, तो भाग जाओ वहां पर, लंगड़ाइयो रहो तो भाग जाओ। और अगर पकड़ा गए रिमांड रूम में तो जो बोल रहा है मान लो, साहब गलती हो गई हम क्या करें, अब पगला थे। हाँ आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये 20 कन्या सब फोन कर रहे हैं, कोनो फिर कांड हुआ है क्या? ना ना तो न्यूज वाला है सब। हाँ नहीं है तो लिख लो, दिमाग है ना, तो एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया ना तो उसमें आ जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। पकड़ के पुलिस 20 डंटा मारेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि हम ही हत्या किए थे, गई कहानी खत्म। एक दिन के लिए भी हटा अगर कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, इतना मार मारेगी पुलिस, इतना मार मारेगी आपको कि आप गवाही दे दीजिएगा। आप पुलिस जब मारती है ना तो अगले दिन दर्द करता है, जैसे पुलिस पीटेगी ना तो बस 5 मिनट दर्द करेगा, अगर रिमांड रूम में गए या जहां गए 5 मिनट दर्द कर, 5 मिनट बाद उस जगह ये सुन्न हो जाता है, इतना मार मारेगा सुन्न हो जाएगा। अगले दिन वो जगहिया जानते हैं कैसा हो जाएगा, उबला हुआ आलू कैसे हो जाता है, ढकेलने में डर लगता है फूट मच जाए, तो मानसवा वैसे हो जाएगा, छूले में डर लगेगा, अरे दादा हो दादा, हथवा नहीं उठेगा, अरे बाप हो बाप, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग को ये सब चीजों को पता नहीं है, आप लोग मत जानिए ये सब, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ